अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो है शियाटिका के बारे में। शियाटिका बेसिकली एक पेन है, एक नर्व होती है हमारे अंदर, शियाटिक नर्व, जो हमारे लेग के अंदर पास करती है अपर पोर्शन के अंदर। जब उसकी इम्पिंजमेंट हो जाती है, इम्पिंजमेंट का मतलब होता है जब भी कोई नर्व दो मसल्स के दरमियान दब जाती है या पिस जाती है, उसके दबने की वजह से पेन स्टार्ट होती है। क्योंकि नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी का मेन जो पार्ट है वो है, नर्वस सिस्टम बनाती हैं वो, तो जब ही उनको प्रॉब्लम होती है तो हमारे उस पार्ट का जो एरिया होता है सारा का सारा वो अफेक्ट हो जाता है। सो शियाटिक नर्व जब भी पिंच होती है, उसकी इम्पिंजमेंट होती है, तो उसकी वजह से होती है शियाटिका सिंड्रोम हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड के जो लेग है उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। इसकी बहुत सारी कॉजेज होती हैं, इसको हमने ठीक कैसे करना है आज के वीडियो में हमने वो देखना है। सो इसकी कॉजेज मेनली होती हैं कि जब भी आपकी जो नर्व है वो इम्पिंज हो रही है, अब वो हो सकती है आपके मसल्स बल्क की वजह से, कि आपके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, तो उनके दरमियान जैसे ही नर्व जो है वो पिंच होगी और पेन स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज़ आती है कि जब वेरिफॉर्मिस मसल जो है जब उसकी टाइटनेस होती है, तो सेम शियाटिका जैसे ही पेन स्टार्ट हो जाती है। सो इसको जो हमने ट्रीटमेंट देना होता है, इसके अंदर मेडिकेशंस यूज होती हैं लाइक आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन वगैरह, ये ऐसे होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ये मेडिसन्स होती हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमन आती हैं आइबुप्रोफिन और नेप्रोक्सिन। इन मेडिसन्स को हम यूज़ करते हैं शियाटिका की पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में है कि जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है उसको आपने स्ट्रेट रखना है और अफेक्टेड लेग को आपने चेस्ट की तरफ मूव करना है। अफेक्टेड लेग को जब आप चेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसकी जो नर्व है वो थोड़ी सी वहाँ से रिलैक्स हो जाएगी, जहाँ पे उसकी इम्पिंजमेंट हुई हुई है वो वहाँ से बाहर आ जाएगी। सो ये एक्सरसाइज हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कोल्ड और हॉट पैक्स ऑल्टरनेटिव वे में, कि पहले हम हॉट पैक लगा दें, फिर कोल्ड पैक, फिर हॉट और फिर कोल्ड। इससे क्या होता है कि हमारे जो नर्व है उसके अंदर इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है दोबारा से, इम्पल्सिंग और उसके जो एक्टिव पोटेंशियल होता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उसकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। शियाटिका को नॉर्मली ट्रीट करने के लिए मेडिसन्स, एक्सरसाइज, शियाटिका तब होता है मोस्टली जब हमारे लंबे रीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसके लेफ्ट लेग के अंदर जैसे ही पेन रेडिएट हो रही है तो उसको चेक करवा लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएँ तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। So this was for today's video. I'll see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.